सो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब टेक चैनल पब्लिक पोस्टमैन में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल पे मैंने आप लोगों को बताया है कि आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली से जुड़े हुए जो है कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उन्हीं कमेंट्स का सारा जो है आंसर आपको आज के वीडियो में मिल जाएगा। एक सिंगल वीडियो में पूरा मैं बताऊँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए कि 10-15 मिनट का भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दोस्तों मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन में भी थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा कि उस प्रोसेस को, उस चीज़ को आपको जो है करने के लिए, जिससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसको बताने के लिए आपको मेरे को जो है मोबाइल के स्क्रीन में ले जाना पड़ेगा। और माफ़ी चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि जो है अपने लैपटॉप के स्क्रीन में बताऊँ, लेकिन दोस्तों मेरा लैपटॉप अब जो है ख़राब हो गया है, लैपटॉप मेरे पास है नहीं अभी फ़िलहाल, तो मैं मोबाइल में ही करके बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों लैपटॉप में वैसे अच्छे से हम बता सकते हैं, पेज प्रॉपर ओपन होता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मोबाइल में भी आपको प्रॉपरली बता दूंगा मैं, उसमें वेब ब्राउज़र ओपन करके जो है उसको हम डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करके मैं आपको पूरा बताऊंगा वहां पर। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कई भाइयों के कमेंट आते हैं ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली से जुड़े हुए कि सर मैं अपने जो है हमारी आईडी होती है, यानी कि हमारा जो प्रोफाइल होता है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का, उस प्रोफाइल के अंदर हम किसी भी तरह का करेक्शन जो है कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जो बेसिक हमारी प्रोफाइल की डिटेल्स होती है, जैसे कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और मदर नेम हो गया, फादर नेम हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हम एक ही बार जो है जब हम रजिस्टर करते हैं तभी हम जो है एंटर करते हैं, उसके बाद हर बार हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो फिर दोस्तों क्या हुआ कि कई भाइयों के इससे जुड़े हुए कमेंट आए, जब मैंने उनको बताया कि भाई इस चीज़ के लिए आपको जो है विज़िट करना होगा SDM ऑफिस में, तब वहाँ से मेरे को कमेंट आते हैं कि सर SDM ऑफिस में जब हम विज़िट करते हैं तो जो काउंटर वहाँ पे दो चार बने होते हैं जहाँ पे सारे वर्क होते हैं, तो वहाँ पर जब हम जाके रिक्वेस्ट हम डाल रहे हैं तो वहाँ पर मना कर रहे हैं कि यहाँ पर हम इस चीज़ को नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं फिर? अगर वहाँ पर भी मना करेंगे तो फिर कैसे करें करेक्शन, कैसे हम अपनी प्रोफाइल को करेक्ट कर सकते हैं डिटेल? क्योंकि दोस्तों हर जगह आप जो है करप्शन फैला हुआ, आपको पता ही है, करप्शन के चलते ही दोस्तों अब वहाँ पर आप थोड़े बहुत पैसे दोगे तो काम हो जाएगा, पैसे नहीं दोगे तो वो आपको किसी न किसी चीज़ में उलझा देंगे, डॉक्यूमेंट में ये नहीं है, ये कमी है आपका, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इसी चीज़ में उलझा करके आपको जो है छोड़ दिया जाएगा। तो इसी चीज़ से जो है निपटने के लिए मैंने रिसर्च किया और मुझे पता लगा कि इसका सॉल्यूशन दोस्तों है, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल पर ही अवेलेबल है और आप वहीं से कर सकते हैं इजीली। तो वो क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा छोटी सी कि दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, हमारे पब्लिक पोस्टमैन चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो, तो यारो नीचे दिए हुए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन आएगा यानी कि घंटी आएगा उसको दबाइए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया पेज जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं दोनों पेज के। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली जो है ऑनलाइन, उस पर सारे डॉक्यूमेंट्स, लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको अवेलेबल होते हैं, कई डॉक्यूमेंट्स जो नहीं अवेलेबल होते हैं तो उससे जुड़े हुए वहाँ से हम ऑर्डर बनवा सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, इस एज में मान लीजिए 20-25 के आप हो गए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब उसको बनवाने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का हेल्प लेना पड़ता है, वहाँ से आप एक डिले बर्थ ऑर्डर आपको जो है वहाँ से बनवाना पड़ता है, देन आफ्टर दैट उसके बाद आप जो है MCD से जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी तरह का आपको करेक्शन हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा हो, ऐसा हो मना कर रहे हैं, या फिर कुछ भी रीज़न ऐसा आ रहा हो, जो डॉक्यूमेंट मान लीजिए कि आपको सपोज डेट मान लीजिए कोई ऐसा सर्टिफिकेट बनवाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना हो, अब कास्ट सर्टिफिकेट में मान लीजिए ऐसा कोई प्रूफ आपके फैमिली में किसी का नहीं है, और जब मान लीजिए आप ST हैं, SC हैं, OBC हैं, जो भी हैं, तो आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो आप कैसे बनवाएंगे? तो उसको हेल्प लेने के लिए, उसकी सारी क्वेरी जानने के लिए दोस्तों, क्योंकि काउंटर पे बैठे हुए जो बंदे हैं वो प्रॉपरली आपको नहीं जो है हेल्प करते हैं, प्रॉपरली आपका क्वेरी का सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर जो है ये मिल जाएगा, ताकि आप किसी भी यानी कि A to Z कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिलेगा। अगर आपको ये नहीं देते हैं, काउंटर पर बैठे हुए बंदे जो है नहीं देते हैं, स्टाफ एम्प्लॉय नहीं देते हैं, तो आपको क्या करना है, एक दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर ध्यान से सुनना, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर एक ऑप्शन मिल जाता है बुक योर अपॉइंटमेंट मीट विद DM, यानी कि आपको जो है अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मीटिंग करने के लिए। अब इस अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए वहां पर आपको ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो वहां पर आपसे कुछ जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑप्शन आएंगे कि क्या क्या, किस रीज़न के लिए आपको मिलना है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद आप जैसे कि आप
एक एग्जांपल आधार का हम अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं कि हमें आधार कार्ड में, तो उसमें भी पूछा जाता है ना कि आपको एड्रेस करेक्शन है या न्यू अप्लाई करना है, तो वो हम सेलेक्ट करते हैं, देन आपको एक अपॉइंटमेंट मिल जाता है, फिर वो स्लिप लेकर के हम जाते हैं, हमारा ऑलरेडी नंबर वहाँ पर लग गया। कहने का मतलब, अपॉइंटमेंट का मतलब कि ये उनको रिपोर्ट चली गई, आधार सेंटर वाले हों या फिर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के DM हों, वहाँ पर SDM ऑफिस के DM हों, तो वहाँ पर उनको रिपोर्ट मिलेगी कि इस डेट पे, इस पर्टिकुलर एक फिक्स डेट है, इस पे आपका, इस पर्सन के साथ आपका अपॉइंटमेंट बुक है, इस जो है वर्क के लिए, इस कारण के लिए, ये रीज़न है, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन जो है, आप अपना सारे डॉक्यूमेंट जो है, आपके जो भी ID प्रूफ हो, वो डॉक्यूमेंट हो, जिस जिस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ें लेकर के जाएँ और वहाँ पर आप रिक्वेस्ट डालें। मैं कभी गया नहीं हूँ, इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका काम आपका जो है 100% हो जाएगा। आप वहाँ पर जब जाएंगे, हो सकता है एक आपको रिटर्न में एक एप्लीकेशन देना हो, रिटर्न में आप एप्लीकेशन दीजिए वहाँ पर DM से डायरेक्टली, जब आपकी मीटिंग होगी तो वहाँ पर आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आप क्वेश्चन कर सकते हो, वो हमारी सेवा करने के लिए ही बने हुए हैं DM, तो उनको जब हम अपने प्रॉब्लम बताएंगे, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रॉपर मिल जाएगा। मिल जाने के बाद आप फिर इजीली आप कर सकते हैं उस चीज़ को, प्रिपेयर कर लीजिए वो डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, जो करेक्शन नहीं हो रहा, कुछ भी हो रहा है, तो वो आपको सॉल्यूशन बता देंगे, तो यहाँ आपका सारा काम जो है हो जाएगा। अब आइए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में, और मैं आपको जो है बता देता हूँ कि वो ऑप्शन कहाँ पर होता है और आपको क्या क्या वहाँ पर फिल करना है। हालांकि भरूंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आप आसानी से कर पाओ। तो आइए चलते हैं, मोबाइल से ही करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया लैपटॉप मेरे पास नहीं है, तो मैं मोबाइल से ही आपको करके बताऊँगा। तो आइए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में। We'll be right back.
सो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आप लोगों ने फटाफट तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी आएगा उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के रेगुलर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही साथ मेरे सोशल मीडिया पेज जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ मैं आपको एंटरटेनिंग के लिए रील्स वगैरह भी बनाता रहता हूँ और फेसबुक पेज पे मैं वीडियोस भी डालता रहता हूँ, कुछ यूट्यूब पे डालता हूँ, कुछ फेसबुक पे भी डालता हूँ, तो वहाँ से भी आपको नॉलेजेबल वीडियोस के, इन्फॉर्मेशन वीडियोस के जो है अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर इसी तरह के टेक और नॉलेज वाले वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।